तो गाइज आप में से काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भैया ऑटो प्ले बैन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो मैंने पिछली वीडियो जब अपलोड करी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने बड़ा टेबल नहीं खेला है, जिससे अभी आइडिया नहीं कि मतलब बड़े टेबल में ये काम कर रहा है ऑटो प्ले या फिर नहीं कर रहा है। तो गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे प्रूफ के साथ और कंटिन्यू गेम प्ले करेंगे बिना किसी एडिट के। जी हाँ गाइस, कायरो गैलरी से लेके सिंगापुर तक। तो अभी आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप खुद देखिएगा कितने हैकर्स आते हैं या फिर नहीं आते हैं। और देखिए ऑटो प्ले जो है वो अभी वर्क नहीं कर रहा है। जी हाँ गाइस, ऑटो प्ले नहीं वर्क कर रहा है, लेकिन चीटो बॉक्स कर रहा है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कंटिन्यू गेम प्ले करके। तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस देखिए यहाँ पे बिना किसी एडिटिंग के यहाँ पे कॉइंस जेम्स आप सब कुछ देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कायरो गैलरी का टेबल लगाया, क्योंकि गाइस आपको पता है मैक्सिमम इन्हीं टेबल में हैकर्स आते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फेयर सब आ रहे हैं। यहाँ पे कायरो गैलरी मैंने काफ़ी देर तक गेम प्ले किया, एक भी हैकर मुझे नहीं मिला। और ख़ास बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे काफ़ी नूब टाइप भी प्लेयर्स आ रहे हैं, तो आपको 2-3 चांस भी मिल जाएगा गेम प्ले फिनिश करने में। लेकिन गाइस सिंगापुर और न्यूयॉर्क में चीटो बॉक्स वाले आपको मिलेंगे, तो इसीलिए अगर आप कायरो गैलरी खेलेंगे तो आपके कॉइन्स भी बन जाएंगे और काफ़ी फेयर प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं, मैक्सिमम फेयर प्लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि मुझे एक भी हैकर नहीं मिला कायरो गैलरी के टेबल में। एक न्यूयॉर्क में मिला था और एक सिंगापुर में, चीटो बॉक्स वाला वो भी। तो ऑटो प्ले तो नहीं वर्क कर रहा है। और गाइस जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी तो मैंने उसमें बताया था कि इसके बारे में और डिटेल मैं आपको पता करके बता दूंगा। तो गाइस मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है तो अभी फ़िलहाल इसमें ऑटो प्ले वगैरह नहीं सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ गाइस, अभी आने वाले टाइम में हो सकता है सपोर्ट करे, उसके लिए मैं अश्योर नहीं हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं वर्क कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ चीटो बॉक्स वर्क कर रहा है, उसके अलावा कोई सा भी हैकिंग एप्लीकेशन नहीं वर्क कर रहा है। और इसीलिए आप लीडर बोर्ड पर जाके देखिए, उसमें मैक्सिमम फेयर प्लेयर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे विनिंग भी बहुत सारे लोगों की नहीं काउंट हो रही है, जिससे आप कुछ मैचेस जीतने पर वर्ल्ड में काफ़ी ऊपर आ जाएंगे। और गाइस जो लोग चीटो बॉक्स यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी कम हैं, वो सिंगापुर और न्यूयॉर्क में आपको कुछ लोग मिलेंगे। जो लोग वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको अगर आप कायरो गैलरी तक खेलेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आप न्यूयॉर्क भी खेलते हैं तो उसमें कम चांस है मिले, लेकिन मिल भी सकता है आपको। तो इसीलिए आप कायरो गैलरी तक खेलिए, उससे ऊपर मत खेलिए। और देखिए गाइस पिछली वीडियो पर काफ़ी सारे लोग कमेंट करके हमको बता भी रहे थे कि मतलब कुछ ऐसा एल्गोरिथम शायद सेट हुआ है जिससे फेयर प्लेयर का मैच फेयर प्लेयर से कनेक्ट हो रहा है और जो हैकर है उनका मैच हैकर से कनेक्ट हो रहा है। तो गाइज इसके बारे में तो मुझे नहीं पता उतना, लेकिन गाइज यहाँ पे मैंने जितना भी प्ले किया तो उसमें हैकर नहीं मिला, सिर्फ न्यूयॉर्क में मिला था और सिंगापुर में मिला था। अभी लास्ट में मैं वो भी वीडियो आपको दिखा दूंगा। तो उसमें सिर्फ चीटो बॉक्स वर्क कर रहा था, चीटो बॉक्स प्ले करने का तरीका कुछ अलग है ऑटो प्ले से। तो ऑटो प्ले तो फिलहाल नहीं वर्क कर रहा, जबकि एम कैरम वालों ने अपडेट भी दिया है बीटा का, लेकिन वो पता नहीं सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे तो नहीं मिला। बाकी भी लोग बता रहे हैं कि ऑटो प्ले वाले एक भी नहीं मिला, चीटो बॉक्स वाले मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क में भी कंटिन्यू मैच मैंने प्ले किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी बंदा फेयर था। और गाइस मेरी जितनी लोगों से बात हुई है सब लोग यही बता रहे हैं कि मतलब कायरो गैलरी तक कोई भी नहीं मिल रहा है और सिंगापुर न्यूयॉर्क में कुछ चीटो बॉक्स वाले मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने ढेर सारे कॉइन्स बना लिए फेयर खेल के, क्योंकि कायरो गैलरी में भी मिक्स प्लेयर आ रहे हैं, नूब आ रहे हैं, कुछ कुछ थोड़ा प्रो आ रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे इजीली विन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे कॉइन्स लोगों ने बनाए फेयर खेल के। और गाइज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे, काफ़ी सारे लोगों का डाउट था कि मतलब आप प्ले करके दिखाइए बड़ा टेबल तो उसमें वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और बाकी मिनी क्लिप वालों ने भी फीडबैक मांगा था, तो ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि उन्होंने बड़े टेबल पर मतलब रेशियो पूछा था कितने हैकर्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो देखिए मैंने कायरो गैलरी काफ़ी ज़्यादा खेला तो उसमें एक भी हैकर नहीं मिला, लेकिन जो सिंगापुर और न्यूयॉर्क है उसमें 50-50 रेशियो था, मतलब कुछ चीटो बॉक्स वाले मिल रहे थे और कुछ लोग फेयर आ रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू प्ले कर रहा था, देखिए सिंगापुर में बिल्कुल फेयर बंदा आया था, तो काफ़ी टाइम के बाद फेयर मिला कोई और 2-3 टर्न में यहाँ पे गेम ख़त्म हुआ। जैसे 2018 में गेम आया था सब नूब थे, बिल्कुल फेयर था, बिल्कुल वही वाला एटमॉस्फेयर लग रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से ये मैच मैंने विन कर लिया था, क्योंकि सामने वाला बंदा थोड़ा नूब टाइप था। तो इसीलिए 100% चीटो बॉक्स वाले नहीं आ रहे हैं, और हो सकता गाइस काफ़ी जल्दी ये चीटो बॉक्स भी बैन हो जाए। तो अभी फ़िलहाल जो वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं वही लोग चीटो बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इसका प्रीमियम भी आपको लेना पड़ता है ऑटो प्ले की तरीके से, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोगों के पास ये नहीं है। तो सिर्फ वर्ल्ड टॉप वगैरह जो कर रहे हैं वही कुछ गिने चुने लोग लेके रखे हैं, इसीलिए अभी आप ईज़िली खेल सकते हैं। कायरो गैलरी तक अगर आप खेलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे ऊपर खेलेंगे तो मैंने आपको बताया 50-50% चांस है फेयर मिलने का और 50% हैकर। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्ले कर सकते हैं।
तो अभी अगर चीटो बॉक्स भी बंद हो जाए तो बिल्कुल ही फेयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिंगापुर खेल रहा था, तो इसी तरीके से आप बिल्कुल फेयर खेल सकते हैं। तो हो सकता है चीटो बॉक्स भी जल्दी बैन हो सकता है। और देखिए बाकी लोग बता रहे हैं कि मतलब वो नए वर्जन में खेल लें या तो बीटा वर्जन में खेल लें तो उनका ऑटो प्ले से मैच कनेक्ट हो रहा है। तो गाइज इसके पीछे का रीज़न तो हमको भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि मतलब जो लोग फेयर हैं उनका मैच फेयर से ही कनेक्ट हो रहा है, और जिन लोगों की आईडी में बिटेम लूलू ये सब कभी यूज़ हुआ है तो उनका मैच ऑलरेडी हैकर से लग रहा है। तो यहाँ पे एम कैरम वालों ने तो अपडेट दिया बीटा में, लेकिन अब वो पता नहीं सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो एक भी ऑटो प्ले वाला नहीं मिला। बाकी अगर आप में से किसी को मिला तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडर बोर्ड पे भी देख सकते हैं काफ़ी सारे फेयर प्लेयर यहाँ पे कर रहे हैं वर्ल्ड टॉप। और देखिए यहाँ पे 592 रैंक मेरी एक या दो दिन प्ले करने पे पहुँच गई। आपको पता है जनरली इतना होता नहीं है, क्योंकि आपको बहुत प्ले करना पड़ता है तब जाके कहीं 500 या 600 के अंदर आप आ पाते हैं। और यहाँ पे अभी विनिंग काउंट वाला भी प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से आप कम प्ले करने पे भी आप कम रैंक पे पहुँच सकते हैं। तो आप ईज़िली टॉप 100 टॉप 200 में पहुँच सकते हैं। और गाइस देखिए यहाँ पे मैंने सिंगापुर लगाया था, तो देखिए यहाँ पे चीटो बॉक्स वाला मिला था। और देखिए इनका प्ले करने का तरीका बिल्कुल अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटो प्ले की तरह नहीं है, ये दूसरी तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पक पॉट हो रही है। तो यहाँ पे मिल रहे हैं चीटो बॉक्स वाले, बाकी कोई हैक वाले नहीं मिल रहे हैं। तो गाइस अभी आपको फ़िलहाल काइरो गैलरी तक खेलना, उसके ऊपर का टेबल आपको अभी प्ले नहीं करना जब तक पूरी तरीके से बैन नहीं हो जाता। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।